इस समय हम खड़े हैं गांधी रोड पे। ये गांधी रोड है और ये सदावपुरी चौक जाने का रास्ता है। ये आप देखिए ये पीछे मेरे, ये मेन सदावपुरी चौक की गली है। और यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे 5 नंबर गली है जहाँ पे एक केस पॉजिटिव मिला था कोरोना का। परसों रात को यहाँ पे 4 नंबर गली में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसको मंडावली की जेल में रखा गया है, क्योंकि वहाँ क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, वहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है, इन चीज़ों के लिए वहाँ रखा गया है। साथ ही साथ एक गली नंबर 2, सुदामपुरी की गली नंबर 2 में भी कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। यानी कुल मिला के अभी इसी 3, 2, 4 और 5, इन तीनों गलियों में करीब 3 केस मिल चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के। और जो 2 लोग मिले हैं उनकी फैमिली करीब 12 लोगों की है, दोनों फैमिलियों को मिला के, यानी 12 लोग अब क्वारंटाइन हैं। और इस पूरे एरिए में 3 गलियां पॉजिटिव हैं जिसमें 3 केस मिले हैं, और साथ ही साथ करीब 16 से 17 लोगों की यहां पे क्वारंटाइन किया गया है। इन ये दो मामले मिलने से अभी इस एरिया में दहशत है। लोग लगातार अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं, कम से कम ज़रूरत का सामान ही लेने निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर ना निकलें ऐसी कोशिश वो बराबर कर रहे हैं। और ये गली नंबर 4 है जहां वो भाई साहब अभी अंदर गए हैं, इसी के साथ में गली नंबर 2 और गली नंबर 5 भी है। यानी पीछे ठीक 4-5 गली है, इसके आगे 2 नंबर गली है। तो यहां पे अब लगातार 3 केस मिले हैं कुछ ही दिनों के गैप में। और इस एरिए के लिए ये सावधानी बरतने के दिन हैं और क्वारंटाइन जो लोग हुए हैं उनसे दूरी बनाने के दिन हैं। साथ ही साथ लॉकडाउन का पालन करने की जरूरत है, क्योंकि इस एरिया में 3 केस मिल चुके हैं। न्यूज़ भारत TV, गांधी रोड, सुदामपुरी, दिल्ली।